नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के इस चैनल मेगा एडवाइजर में। आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बैंक का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, जो आपने बैंक में अपना नंबर रजिस्टर्ड कराया हुआ है, उसको आप खुद से मोबाइल से मात्र 5 मिनट में कैसे चेंज कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका पुराना नंबर भूल गया हो, या फिर उसमें बहुत दिनों से आपने रिचार्ज नहीं कराया हो, जिसकी वजह से उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई हो, सिम बंद हो गया होगा, जिसकी वजह से आपका OTP नहीं आ रहा है, ताकि आप शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आपके बैलेंस का, आपके भुगतान का आपके कोई मैसेज नहीं मिल पा रहा है, आपको काफ़ी समस्या हो रही है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपका ब्रांच भले ही कितना भी दूर हो, आपके शहर में हो या फिर दूसरे शहर में हो या दूसरे राज्य में हो, आप अपने की सहायता से, वैसे तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने नए ATM को ऑर्डर कर सकते हैं, ATM के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ATM को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं, ITR वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल से नेट बैंकिंग की सहायता से अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं किसी भी रीजन से, चाहे आप बिजनेस पर्पज से, या फिर आपकी ट्रांसफर हो जाती है, या फिर आप स्टूडेंट हैं एक शहर से दूसरे शहर में पढ़ाई करने जाते हैं, तो आप नेट बैंकिंग की सहायता से आप अपना ब्रांच भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी बिना बैंक गए हुए। तो ये सब कैसे कर पाएंगे, इसके लिए अलग अलग वीडियो बना हुआ है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अभी आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। गूगल में हमें onlinesbi.com लिख के सर्च करना है, उसके बाद हम SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप टच करके यहाँ नीचे डेस्कटॉप साइट भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मोबाइल वर्जन में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोबाइल वर्जन में ही यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन के लिए आएगा। यहाँ यूजर नेम, पासवर्ड और नीचे दिया हुआ कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट से मैं डिटेल भर लेता हूँ। डिटेल्स भरने के बाद हमने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो नेट बैंकिंग है वो इस तरीके से लॉगिन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको फर्स्ट ऑप्शन में जाना है, माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे जाना है प्रोफाइल पे। यहाँ हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, माई प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल्स, सेट अकाउंट निक नेम, चेंज पासवर्ड वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमें जाना है अब इसमें पर्सनल डिटेल पब्लिक मोबाइल पे, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोफाइल पासवर्ड पूछा जाएगा, जो हमें यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए मैं प्रोफाइल पासवर्ड अपना यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें डिस्प्ले नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये मोबाइल नंबर आपका पुराना वाला होगा, ठीक है। अब हमें मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए यहाँ देखिए ऑप्शन के दो ऑप्शन है, थ्रू बैंकिंग और डोमेस्टिक ओनली, यानी कि खुद से कर सकते हैं। अगर ब्रांच जाके करना है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, या अब खुद से करना है तो सेकंड ऑप्शन में डोमेस्टिक ओनली। इसमें भी तीन टाइप है, थ्रू OTP, ATM और कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक ओनली। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक नया टैब खुल कर आ रहा है, जिसमें बोला है इंटर न्यू मोबाइल, फिर यहाँ पर री टाइप मोबाइल नंबर, फिर से हम मोबाइल नंबर वही जो हमें चेंज करना है वो टाइप करेंगे, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पूछा जाएगा कि वेरीफाई एंड कन्फर्म योर मोबाइल नंबर, यहाँ से वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बाई OTP, बाई इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल थ्रू ATM और थर्ड है अप्रूवल थ्रू कॉन्टैक्ट सेंटर। यहाँ पे अगर आपको इसका डिटेल्स अगर पढ़ना है तो यहाँ से क्लिक हेयर कीजिएगा तो एक नया टैब ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज ऑफ मोबाइल नंबर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग स्टेप बाई स्टेप यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखिए बाई OTP ऑन बोथ मोबाइल नंबर, ये आप तभी सेलेक्ट करेंगे जो मैंने तीन ऑप्शन बताया था लाइव, वहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन को तभी सेलेक्ट करेंगे जब आपका पुराना वाला मोबाइल नंबर आपके पास हो और जो आप नंबर चेंज करने वाले हैं वो दोनों आपके पास होना चाहिए, उस दोनों पे OTP आएंगे। तो चलिए इसको मैं नेगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं वैसे केस में बात कर रहा हूँ जैसे आपके पास पुराना नंबर नहीं है या फिर वो बंद हो चुका है। बी नंबर ऑप्शन देखिए, इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल थ्रू ATM, इसमें क्या है कि आप जैसे ही ATM वाला इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले होकर आएगा। इसमें आपका अकाउंट नंबर और जो भी आपका डिटेल्स है वहाँ यहाँ पर दिया होगा। इसमें क्या करना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऐसे इस टाइप से आएगा, इसमें आपका कार्ड का डिटेल्स होगा। जैसे आपके पास जो ATM कार्ड है उसके यहाँ पे डिटेल्स दिए होंगे, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड स्टेटस और एक्सपायरी डेट। तो यहाँ से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो फिर जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेमेंट गेटवे खुल के आएगा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक का एक पेमेंट गेटवे खुल गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्ड नंबर डाल देना है और जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, और ATM का जो पिन नंबर होता है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे काम आप स्टेट बैंक के ऑफिशियल साइट पे जाके कर रहे हैं, न कि कहीं थर्ड पार्टी या फिर आप किसी को बता रहे हैं।
वैसे भी एटीएम का पिन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड किसी से शेयर करने की चीज़ नहीं होती है। अगर आपके पास कहीं से कॉल आता है या फिर दोस्तों रिश्तेदारों से, ये सब चीज़ें शेयर करने वाली नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नाम लिखना है, और कार्ड होल्डर का नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे इस कैप्चा को इसमें इंटर करना है। उसके बाद आप पे पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक रेफरेंस नंबर जो 10 डिजिट का होगा वो SMS के थ्रू आ जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि देखिए लिखा हुआ है इस लाइन में कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर का जो आप चेंज करने के लिए प्रोसेस किए हैं उसका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करके आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट इज पेंडिंग दिखाई देगा। पेंडिंग क्यों होगा? क्योंकि आपको ATM वाला प्रोसेस करना है। उसके बाद क्या करना है, उस रेफरेंस नंबर को लेकर आपको विजिट करना है ATM, आपको विजिट करना है ATM। ATM में सेलेक्ट करना है सर्विस। सर्विस जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अदर। सर्विस में जाके अदर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल। ये वाला ऑप्शन जो है आप जाके ATM में सेलेक्ट करेंगे। ATM आप जाएंगे, वहाँ से सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपका आपके पास जो 10 डिजिट का जो रेफरेंस नंबर आया है उसको आपको वहाँ पर फिट करना है, और उसको जब ओके कर देंगे तो आपका ये जो मोबाइल नंबर है वो जो पेंडिंग अभी अभी तक पेंडिंग था वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। ये वाला हो गया ATM का प्रोसेस, यानी कि आपको एक रेफरेंस नंबर नेट बैंकिंग से जनरेट करना है और ATM में जाके उस रेफरेंस नंबर को ऐड करके आपका इस प्रोसेस को पूरा कर लेना है, तो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं सी ऑप्शन, अप्रूवल थ्रू कॉन्टैक्ट सेंटर। इसमें भी वैसे ही, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट सेंटर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड करेंगे, आपका कार्ड डिटेल्स आएगा। कार्ड डिटेल्स के बाद में आपका एक पेमेंट गेटवे खुल के आएगा, उस पर आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पे पे क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल्स है कार्ड नंबर एक्सपायरी थ्रू और वैलिडिटी और कार्ड होल्डर नेम जो भी मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया आपको, वैसे ही वही प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद पे पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास फिर से एक रेफरेंस नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ है, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा। SMS कंटेनिंग रेफरेंस नंबर फॉर चेंज पब्लिक अपडेट मोबाइल नंबर विल बी सेंड बाई INB सिस्टम ऑन द मोबाइल नंबर। आपके नंबर पे जो है 10 डिजिट का रेफरेंस नंबर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद बोलता है बैंक्स कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सन विल कॉल यू विद इन नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज ऑन योर मोबाइल नंबर। आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिस पे आपका रेफरेंस नंबर आया हुआ है, उस नंबर पे आपको 3 दिन के अंदर में बैंक के साइड से कॉल किया जाएगा और आपके बारे में थोड़ा बहुत लिटिल बिट वेरिफिकेशन के नाम पे कुछ पूछा जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली और बात है कि देखिए, काइंडली आस्क फॉर द रेफरेंस नंबर फ्रॉम कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सन बिफोर शेयरिंग योर पर्सनल डिटेल। अब आपके पास जो कॉल आएगा, आपको कैसे पता कि हाँ वो बंदा जेन्युइन है, फ्रॉड का भी कॉल हो सकता है, तो सबसे पहले आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के पहले आपके पास जो रेफरेंस नंबर है उससे पूछे। अगर आपके पास जो रेफरेंस नंबर है और उसके द्वारा बताया गया रेफरेंस नंबर अगर सेम है तो ही आप अपना पर्सनल डिटेल्स दें। और पर्सनल डिटेल्स में भी आप यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM का नंबर, ये सब जो वाइटल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको कतई शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप बैंक के जो कॉन्टैक्ट आपसे आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उसके बाद में वहाँ से ये प्रोसेस हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर जो है चेंज हो जाएगा आपके, और उसके बाद जो भी आपका OTP आएगा उस नए नंबर पे आएगा और जो भी ट्रांजैक्शन संबंधी डिटेल्स होंगी वो आपको इसी नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बता रहे कि व्यू स्टेटस एंड कैंसिलेशन ऑफ रिक्वेस्ट। आपने जो कर दिया है रिक्वेस्ट आपने कर लिया है तो 3 वर्किंग डेज का है, तो इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना मोबाइल नंबर घर बैठे मात्र 5 से 7 मिनट में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो चलिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।